विद द रिविजन ऑफ कैपिटल लेटर क्यू सॉरी पी. आज हम करेंगे क्यू विद द रिविजन ऑफ कैपिटल लेटर क्यू. स्मॉल क्यू कैसे लिखते हैं और कैपिटल क्यू कैसे लिखते हैं वो दोनों आज हम सीखेंगे. ठीक है, फर्स्ट आई शो यू योर बुक वर्कबुक. दिस इज योर इंग्लिश वर्कबुक ऑफ स्मॉल लेटर क्यू. थ्री लाइन्स में लिखते हैं, नीचे की थ्री लाइन्स के अंदर लिखते हैं, राइट. और क्यू से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो भी वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम. तो कैपिटल क्यू कैसे लिखते थे, सर्कल बना देते थे और अंदर से एक लाइन बाहर की तरफ लाते थे ना हम ऐसे स्टैंडिंग लाइन. यस, और स्मॉल क्यू कैसे लिखेंगे, सर्कल और स्टैंडिंग लाइन जैसा पी लिखते हैं ना, ये हम ऐसा पी लिखते हैं. तो क्यू उसका ऑपोजिट है, ये सीधा ये उल्टा पी है ना. उल्टा पी लिखोगे तो वो क्यू ही बनेगा, राइट. फिर से सर्कल स्लैंडिंग लाइन, ये हो गया कैपिटल क्यू और ये हो गया स्मॉल क्यू. अगेन सर्कल देन स्लैंडिंग लाइन, फिर सर्कल एंड स्लैंडिंग लाइन, तो वो स्मॉल क्यू हो गया. ये हो गया कैपिटल क्यू और ये हो गया स्मॉल क्यू. अच्छा, कैपिटल क्यू है वो हम ऊपर की थ्री लाइन्स में लिखते हैं और स्मॉल क्यू है वो नीचे की थ्री लाइन्स में लिखेंगे. सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन, सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन, अगेन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, अगेन कैपिटल क्यू और ये है स्मॉल क्यू, अगेन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, है ना. सो कैपिटल कैसे लिखते हैं, सर्कल बना के स्लैंटिंग लाइन, तो वो हो जाता है हमारा कौन कौन से होते हैं. तो Q is for question, Q is for quilt. Quilt मतलब आप जो ओढ़ते हो ना, आप जो रात में ठंड लगती है तो जो ब्लैंकेट टाइप के होते हैं. quilt मतलब दो तीन जो परतें होती हैं और आपस में सिली हुई स्टिच की हुई होती है ना, उसको quilt बोलते हैं. So Q is for question, Q is for quilt, Q is for quill. क्विल मतलब एक फैदर जैसा, फैदर जो नुकीला होता है उससे आप लिख भी सकते हो. इंक जो आती है ना, लिक्विड इंक, उसमें डिप करके अगर आप उससे लिखोगे तो वो कहलाता है क्विल, कहते हैं इसको क्यू यू आई डबल एल क्विल. और ये है क्यू यू आई एल टी क्विल्ट. और ये है क्वेश्चन, फिर क्यू इज फॉर क्वीन. क्वीन मतलब रानी, आप सबको पता है ना, किंग होता है और किंग का ऑपोजिट क्वीन होता है, राजा रानी, किंग क्वीन. सो आज हमने देखा कि क्यू से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, है ना, और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या डिफरेंस है. तो कैपिटल क्यू जो है वो ऊपर की थ्री लाइन्स में लिखते हैं और स्मॉल क्यू है वो नीचे के थ्री लाइन्स में लिखते हैं, राइट. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग इन योर वर्कबुक एंड वन पेज इन योर इंग्लिश नोटबुक. दोनों में लिखना है, वर्कबुक में भी और नोटबुक में भी. सो वर्कबुक में पहले ट्रेसिंग पैटर्न फिनिश करके फिर जो ब्लैंक्स है उसमें लिखना है आपको, और आपकी जो नोटबुक है उसमें कैपिटल क्यू भी लिखना है और स्मॉल भी लिखना है.
वर्कबुक में सिर्फ स्मॉल लिखना है क्योंकि उसमें वही दिया हुआ है। लेकिन जब आप नोटबुक में लिखोगे तब आपको कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखना रहेगा, है ना? क्यों? तो दोनों में डिफरेंस तो पता चलना चाहिए ना। और डिफरेंस कब पता चलेगा हमको? जब हम लिखेंगे कि ये तो टोटली अलग है लिखने में, कैपिटल क्यू ऐसे लिखते हैं और स्मॉल क्यू ऐसे लिखते हैं, तो वो तो दोनों की लिखावट तो एकदम अलग है। तो जब तक आप दोनों साथ में लिख के देखोगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसीलिए आपको नोटबुक के अंदर कैपिटल और स्मॉल दोनों क्यों साथ में लिखना है। तो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है, है ना? और वर्कबुक में आपको सिर्फ ट्रेसिंग पैटर्न और जो साइड में बॉक्सेस दिए हुए हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल क्यू लिखना है। सो ये दोनों लिख के फिनिश कर लेना और क्यू से रिलेटेड वर्ड्स याद कर लेना कि क्यू इज फॉर क्वेश्चन, क्यू इज फॉर क्वीन, क्यू इज फॉर क्विल्ट, क्यू इज फॉर क्विल, क्यू इज फॉर किनोवा। ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं, तो आप जो इजी है, जो आपको इजीली याद रह जाए वो आप लर्न कर लेना, ठीक है? समझ में आ गया सबको? ओके देन, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।